आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ, एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ था। जब तक गुलाम है देश मेरा तो मौज कहाँ है जीने में, कसम है इस मिट्टी की हमको यही काम अब करना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है। जुलाई सन 1909 में ढींगरा ने इंपीरियल इंस्टीट्यूट की एक सभा में भारत सचिव के सलाहकार सर विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। मुकदमा चला तो उन्होंने ये कहते हुए सरकारी वकील की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया कि वो अदालत की वैधता को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने घोषणा की कि उनकी ये कार्रवाई देशभक्त भारतीयों की अमानवीय फांसी और निर्वासन का विनम्र बदला है। मदन लाल ढींगरा को जब अदालत से ले जाया जा रहा था तब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा था, धन्यवाद मिलोर्ड, मुझे परवाह नहीं है बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सम्मान प्राप्त करने पर गर्व है। ढींगरा को मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अगस्त 1909 को सिर्फ 26 साल की उम्र में लंदन के पेंटविले जेल में फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा अपने समय के उन युवाओं के प्रतीक थे जो भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का कड़ा विरोध करते थे। एनी बेसेंट ने उनकी वीरता की प्रशंसा में तो यहां तक कहा था कि ऐसे कई और मदन लाल ढींगरा का होना समय की मांग है। क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी से उनकी याद में मासिक पत्रिका मदन तलवार शुरू कर दी थी जिसकी छपाई मैडम कामा ने कराई। मदन लाल ढींगरा की वीरता और उनकी निडरता के लिए उनका नाम आज हर भारतीय के दिल में अंकित है। 18 सितंबर एक प्रसिद्ध भारतीय थियोसॉफिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास की पुण्यतिथि भी है। शिक्षक भगवान दास ने कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ वाराणसी के मशहूर काशी विद्यापीठ की भी स्थापना की। वे ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य रहे। भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को वाराणसी में हुआ था। एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रेरित होकर भगवान दास 1894 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हो गए। थियोसॉफिकल साहित्य में उनके योगदान के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें सन 1900 में सुब्बा राव पदक से सम्मानित किया। सन 1921 में भगवान दास को असहयोग आंदोलन से जुड़ने के कारण एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन अंग्रेज सरकार के एक प्रस्ताव पर उन्हें केवल 5 सप्ताह बाद रिहा कर दिया गया। भगवान दास कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। 1934 में वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने गए। 1955 में भगवान दास को साहित्य और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 सितंबर 1958 के दिन भगवान दास इस दुनिया से कूच कर गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।